أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وبلده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا صدق الله العظيم. और नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि मेरे रब, उन्होंने मेरी नाफरमानी की और ऐसे लोगों का कहना माना है कि जिनको उनके माल ने और औलाद ने नुकसान में मुब्तला कर दिया और उन्होंने बहुत बड़ा मकर चला, बहुत बड़ा दाव किया उन लोगों ने और ये कहने लगे कि तुम अपने माबूदों को हरगिज़ मत छोड़ो. कौन कहने लगे? जो उस कौम के सरदार थे वो कहने लगे, अपनी कौम से कहने लगे कि तुम अपने माबूदों को हरगिज़ मत छोड़ो, तुम ना वद को छोड़ो, ना सुवा को छोड़ो, ना यबूज को छोड़ो, ना यबूक को छोड़ो, नसर को छोड़ो. और बहका दिया इन लोगों ने, बहुत से लोगों को बहका दिया और ए रब, तू इन ज़ालिमों को सिर्फ भटकने का ही इजाफा कर दे. अभी तो भटके हुए, इनको बस भटकाने में उसमें गुमराह में छोड़ दे. ए मेरे परवरदिगार, खुला सत्र में लिखा था इन्हें, नूह अलैहि सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, इन लोगों ने मेरा कहना नहीं माना और ऐसे लोगों की पैरवी की जिनको हम सरदार कहते हैं, लीडर कहते हैं, कि लीडर किस तरह गुमराह करते लोगों, जिनके माल औलाद ने इनको नुकसान ही पहुँचाया. मुराद इन शख्सों से कौम के उमरा हैं जिनकी अवाम इत्तबा किया करते हैं, कि इनका माल और औलाद इनको नुकसान इसलिए पहुँचाया कि वो उसमें लग के हम समझे कि हम तो माल दौलत वाले हैं, हम हक पर हैं. माल दौलत क्या समझता है? मैं इससे हक पर समझता ना उन्हें, क्योंकि माल औलाद के सरकी का सबब बन गया और उन्होंने जिनका इत्तबा किया वो ऐसे हैं जिन्होंने हक के मिटाने में बड़ी बड़ी तदबीरें की और जिन्होंने अपने ताबईन से कहा कि तुम अपने बावजूद हरगिज़ मत छोड़ो, ना बद को छोड़ो, ना सुवा को छोड़ो, ना यऊस को छोड़ो, ना यऊक को छोड़ो, नस को छोड़ो. इन रईसों ने बहुतों को बहका बहका कर गुमराह कर दिया. ऐ अल्लाह, इनकी गुमराही में तुम इजाफा कर दे. तो हज़रत मूह अलैहि सलाम का वाक़िया हमारा दर्स चल रहा था, उस वक्त ही चल रहा था, मेरा सफ़र हो गया, तो फिर यहाँ से आपके सामने बात आ रही है कि हज़रत मूह अलैहि सलाम जो है अपनी कौम को 9.5 साल समझा दें. वलकत लबी सफ़ीम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा, वो उनकी कौम के अंदर 1000 साल -50, 1000 साल -50 यानी 950 साल रहे. 40 साल में नबूत मिली, उसके बाद 9.5 साल समझाते रहे, फिर और 50 साल रहे. तो इस तरह उनकी उम्र कितनी हो गई? 1040 साल हो गए. तूफान आके नहीं, और 50 साल रहे. तो 40 साल में नबूत मिली, 950 साल जो है कौम को समझाते रहे. कौम ने क्या किया इससे पहले आ चुका, मैंने उनको दिन को समझाया, उनको रात को समझाया, उनको तन्हाई में समझाया, उनको जो है मजमे में समझाया, हर तरीके से समझाते रहे. तो ये लोग उनको मार मार के अधमुआ कर देते. किसी हमको मारा है आज बताओ? दावत में किसी ने मारा है आपको? अल्लाह के नबी, जिनके साथ अल्लाह की दलीलें होती हैं, मौजज़ात होती हैं, अल्लाह की तायद होती है, वैसे लोग ऐसे मार खाए? हम कभी मार खाए दीन के राह में? मारी नहीं है हम लोग. क्या कोई जरा क्या गुस्से से बोला छोड़ छोड़ दे, ये वो लोग बातें करते हैं, ये बातें करें छोड़ पड़े आदमी. ये देखो बेहोश जाते थे, मालूम बेहोश जाते थे बोले सलाम, फिर उनको होश आता था, कि मेरे कौम के लोग क्या कर रहे हैं, समझाओ. अब समझाते 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 9.5 साल गुजर गए, अब उनको ये मालूम हो गया कि अल्लाह की तकदीर इनके बारे में यही है, ये लोग ईमान लाने वाले नहीं. तो कौम ने किस तरह लोगों को गुमराह किया, अब ये समझाने की बात. तो नूह अलैहि सलाम अल्लाह से फरियाद करें कि ऐ मेरे रब, इन्होंने मेरी नाफरमानी की और किसकी इत्तबा की? जो लीडर बने हुए थे, जिनका माल औलाद ज़्यादा था, उम्रा थे, उनकी इत्तबा की और उन लीडरों ने जो है बहुत बड़ा जो है तदबीरें की लोगों को गुमराह करने के लिए. और उनके लीडरों ने क्या कहा कि तुम अपने माबूदों को हरगिज़ मत छोड़ो. क्या बोल रहा है नूह, नऊज़ बिल्लाह, क्या बोलते हैं नूह? तुम अपने
जो माबूद हैं वद स्वा यहूस यो को नसर। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कुरान की तफसीर हदीस कर दिया, अल्लाह के रसूल तफसीर कर दी, वो कहाँ है हदीसों के अंदर है। कुरान किस पर नाजिल हुआ, अल्लाह के नाजिल हुआ, तो अल्लाह के रसूल उसका मतलब समझाया, तो वो कहाँ है हदीसों के अंदर। कुरान की तफसीर हदीस रसूल करती, तो बुखारी शरीफ की हदीस है। ये कौन थे ये पांचों आदमी जिनके नाम ये लिए गए हैं, वद स्वा यबूस यहू को नसर, ये जो है उनकी कौम के नेक अवलिया अल्लाह थे। पांच ये आदमी मशहूर थे, ऐसे बहुत थे नेक, लेकिन पांच आदमी बहुत मशहूर हो गए थे, वो मर गए। मर जाने के बाद इसी बुखारी के हदीस में है इसकी तफसीर। तो शैतान बोला क्या है इंसानी शक्ल, शैतान तो फैला ना इंसानी शक्ल में आता, चैतानी शक्ल में आता हूँ, चैतानी शक्ल में सब भाग जाएंगे। इंसानी शक्ल में बोला अरे क्या तुम भूलते क्या मियाँ उसको, कैसा था वध कैसा आदमी था, यहूस कैसा था, यहू कैसा था, ये बहुत नेक इंसान था, बहुत अल्लाह वाले लोगों था, ओली अल्लाह थे, कैसा भूलते हैं तुम लोग, कैसे कैसे याद करोगे तुम, उनकी तस्वीर बनाओ मियाँ, तस्वीरें बनाएगी, सिर्फ तस्वीरें बनाएगी थी पहले शुरू मालूम है। तो उनको याद करते थे नहीं भाई बहुत नेक इंसान था फला। अब वो जनरेशन गुजर गई, जनरेशन गुजरने के बाद उनको दूसरे लोगों को डाला, तुम्हारे बाप दादा तो इनकी परस्तिश करते थे बता, खाली तस्वीर के अलग बैठे उनकी सूरत बनाओ एक वजह से मैं बनाऊ उनका, बुद्ध परस्ती कैसे शुरू हुई, तस्वीर के तक क्या काम आते भाई, उनका एक वजह से मैं उनके नाम का एक ये बनाओ बुद्ध बनाओ, बुद्ध बनाए इसकी परस्तिश शुरू। वो जनरेशन गुजर गई जिसमें बताया कि तुम्हारे पास इसकी परस्तिश करते थे। आप तक समझ में आ गई बात, सही बुखारी की जिसे सही बुखारी की तस्वीर है। तो इस तरह से दुनिया में बुद्ध परस्ती नेक लोगों के नाम से फैली। अगर शावलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हकीमुल उम्मत कहलाते हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े दल के दुनिया इस्लाम के सबसे बड़ी शख्सियत हैं, मुजद्दिद हैं, वो फरमाते हैं कि जो लोग इस तरह से बुत परस्ती शुरू हुई ना, तो आज जो खबर परस्ती चल रही है, खबरों को जाने वाले पूजने वाले भी ऐसे ही हैं जैसे कि जो है गैर मुस्लिम जो अपने हनुमान की और जो है लक्ष्मण की पूजा करते हैं, वैसे ही नाम लेके लिखा है अजमेर को जाने वाले सालार मसूद गजी कब्र को जाने वाले नाम लेके लिखा है शावलीउल्लाह साहब। देखिए किस तरह हमारी कौम गुमराह हो गई, जब दुनिया में जिंदा रहे उनको सताते रहे लोगों को, मरने के बाद उनकी कब्र की परस्तिश शुरू कर दी। ये कब्र की परस्तिश भी ऐसी जैसे कि जो है ये बुत परस्ती कर रहे हैं। अरे शावलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है अपनी किताब में, देख रहे हैं किस तरह हमारी कौम गुमराह हो गई। पुरुष हैं, संदल हैं, कट्टे हैं, झंडे हैं, छिल्ले हैं, क्या है सब है। तो ये खुला हुआ शिर्क है, याद रखो पूरी कौम मुब्तला है, अक्सर कौम मुब्तला है हमारी मालूम है। कोई बोलने वाला अरे दीन तो यही है अल्लाह से कोई माबूद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या सिखा रहा है तुमको, तौहीद शिर्क की जड़े शिर्क को निकाल दो, तौहीद को बसाओ अपने दिल के अंदर, यही तो शिर्क है भाई। तो ये लोग कौन थे, ये लोग तो नेक औलिया अल्लाह थे। तो कौम बोले नहीं नूह की बात नहीं माना तुम, इनको पकड़ लेके बैठो, उनके बुता लेके बैठ छोड़ दो, क्या करे छोड़े नहीं। अब उसके बाद उनको मालूम भी हो गया अल्लाह मैं तो समझा रहा हूँ, लेकिन वो उनके लीडरों ने उनको ऐसा समझा दिया है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब तू इनकी गुमराही में इजाफा कर दे, जब देखो क्या गुलबर्ग या खाजा कर लेते बड़ा बोर्ड है, गए भी बुद्धि नाम भी, लेकिन अब क्या बोर्ड बदला है क्या हुआ है मालूम नहीं है। बस लोग खबरों पर घुस रहे हैं, खबरों पर सज्जे कर रहे हैं, इधर मस्जिद है, मस्जिद में लोग कम रहेंगे, लेकिन वहाँ जाके देखो इतनी भीड़ है औरतों की, बच्चों की, मर्दों की, क्या हो रहा है देखो आप। ये कोई छुपी हुई बात, एक रास की बात कोई किसी को नहीं मालूम है, किसी क्या मालूम है, देखो जाके आ सब उनसे मांगा जा रहा है नाम, क्या बंदा नवाज, उन अपना बंदा नवाज रख लेती है, बंदे को नवाजने वाला कौन है अल्लाह है, गरीब को नवाजने वाला कौन है, गरीब नवाज कौन है अल्लाह है, वो अगना वो अकना अल्लाह ही है, किसी को गरीब बनाता है किसी को अमीर बनाने वाला अल्लाह है। उन्होंने ये नाम उनको दे दिया जो अल्लाह की सिफात है। खुला हुआ सिर्फ उम्मत, बड़ी बड़ी उम्मत की बहुत बड़ी तादाद मुब्तला हो। आज जरूरत इस बात की कि फिर से इसका सुर फूंका जाए, ऐसा बोले चलने वाला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है तकरीबन 40 साल से बात बोल रहे हैं, अपना फरीजा अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह के पास हमको जाना है। देखो किस तरह लोग मुब्तला हो गए, उनके आटों पर क्या लिखा हुआ है, घरों पर क्या लिखा हुआ रहता है, घरों के अंदर क्या लिखा रहता है। तो ये बुत परस्ती है जो शैतान बोलता है इसको, क्या कुछ भी ना को भाई शराब जरा पिए थोड़ पिए तोबा करता है, सिर्फ मिला छोड़ो बस, मैं कभी तौबा करता ही नहीं,
अरे बुजुर्गों ने एक दिन मानना पड़ता रहे क्या तू औलिया को मानता कि नहीं रहे झगड़ा शुरू करता ये तो औलिया को मानता कि नहीं रहे क्या मानना औलिया को बोल वली को वली मानना कि वली को अल्लाह मानना वली को वली मानना है वली को अल्लाह नहीं मानना है तो ये अल्लाह वली को अल्लाह की सिफत दे देते इसका मतलब इन्होंने लिया वली को मानना समझो वली को इनकार काफिर होता है वली को मानना है कहीं नहीं अंबिया पर ईमान लाना है वली पर ईमान लाना है तेरा गौर करने की बात बोल रहा हूँ मैं आप वली पर ईमान लाना अगर है क्या तभी पर ईमान लाना है देखो क्या है इस तरह से उम्मत एक बड़े इसके अंदर मुब्तला हो गई है सबसे बड़ा गुना जिना से शराब से जुए से कत्ल गारी सबसे बड़ा गुना है तो शिर्क वाला गुना है अकबरुल कबाइर उम्मत मुब्तला हो के रही हर जगह कहाँ भी जाके देखो कुछ किसी खबर है बस कभी झूठी खबरें वो देखो जहाँ सच्ची खबर थी वहाँ आप जो क्या कर रहे हैं कारोबार चल रहा है झूठी खबर बना दी बस झूठी खबर कारोबार शुरू हो गया बस तो ये शैतान कारोबार चला रहा है ये हज़रत नूह अलैहि सलाम की कौम से चल रहा है शैतान चलाया इसको तो ये सही बुखारी के अंदर है शैतान आगे बताऊँ क्या सब भूल जाते हैं साहब क्या भाई क्या है तुम लोग इतना बड़ा इंसान था मुझे ऐसे भूले कैसा याद करना नहीं यादगार कायम करना उनकी यादगार कायम कैसे करेंगे पहले तस्वीरें आ गई तस्वीरें के बाद जो है मुजस्मे बने उसके बाद वो दूसरी जन को बताया कि नहीं ये प्रोसेस करना है हम लोग बस तो बोले मेरा काम हो गया चलो जाओ तुम सिर्फ फोड़ लो अंबिया कराम लोग नहीं मानते हैं बहुत ठीक है तो कितने लोग ईमान लाए सिर्फ 72 लोग ईमान लाए उनकी बीवी ईमान नहीं लाई उनका बेटा ईमान नहीं लाया अलैहि सलाम का मालूम है तो अल्लाह से लोग अल्लाह ये लोगों की तो गुमराही में ज़्यादा कर दे इनको पूरी तरह गर्क तबाह कर दे ये दुआ जो है उन्होंने की वो अल्लाह ताला की जो है तकदीर को देख कर अल्लाह ने की फैसला किया इनके बारे में ऐसे किसी दुआ करते थे अल्लाह उनको गुमराह कर दे गुमराह करने के बाद जब यकीन हो चुका था जब क्या ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं इनका फैसला अल्लाह को इनका अल्लाह का फैसला इनको मालूम हो गया था जब दुआ किया था तो आज भी जो है ये सिर्फ पुरानी बात नहीं है बल्कि आज भी सबसे बड़ा मर्ज़ कुफ्र और शिर्क ही सबसे बड़ा मर्ज़ आज मौजूद है अल्लाह ताला मुझे आपको जो है नजात किस पर है तौहीद पर बस जो शिर्क करके नहीं मरा है निजात पा जाएगा तीन तोहफे जो मेराज में मिले अलग ये कि मेरी उम्मत में तुम्हारी उम्मत में अल्लाह ताला फरमाए तेरी उम्मत में जो भी शिर्क नहीं करेगा उसको जन्नत से बचा लिया जाएगा जो शिर्क न करते हुए मरा है शिर्क से पाक होकर मरा है तो उसको जन्नत में भेज दिया जाएगा शिर्क करते हुए मरेगा तो हमेशा जहन्नम में रहेगा उसको नमाज सूरह बकरा का आखिरी रुकू और ये उम्मत के लिए खुशखबरी कि तुम्हारी उम्मत का जो आदमी बगैर शिर्क किए मर गया है या शिर्क से तौबा करके मर गया है तो वो जन्नत से जहन्नम से बचा लेगा जन्नत में हल कर दिया जाएगा तो जितना बड़ा गुनाह है उसको हमने हल्का समझ लिया है और उसके अंदर मुब्तला होकर रखे तो ये हल्का करके दिखाना है सब शैतान की चालें हैं तो शैतान का काम शैतान नहीं करता बल्कि इंसान नुमा शैतानों से कराता बसा इबलीस बसूरत आदमस हम कहते हैं बहुत से इबलीस इंसानी शक्ल में पहले भी बसा इबलीस बसूरत आदमस बहुत से इबलीस इंसानी शक्ल में पहले भी तुम हरेक के हाथ में हाथ मत दो चलो सब हमारा ही नहीं जी हमारा वो नहीं जी हमारा पकड़ लग गया बस चलो ले कदम डाल दिया तो इसको जितना भी ताकीद से कहा जाए जितना भी एम्फेटिकली एम्फसाइज करके कहा जाए कम अल्लाह ताला मुझे आप सब लोगों को इस से बचकर तो इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए इस पर हमारा खात्मा करें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन्नार रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.